Good morning, students. Today our topic is interest coverage ratio in solvency ratio. जैसा कि हम solvency ratio में three ratios already cover कर चुके हैं. Number one, debt equity ratio. Number two, total asset to debt ratio. Number three, proprietary ratio. तो आज हम solvency ratio की last four type की ratio समझ रहे हैं. This is very very important. And it is interest coverage ratio, जिसको हम ICR भी बोलते हैं. Interest coverage ratio का जो formula है, इसमें हमें दो चीज़ें लेनी है. ऊपर लेना है profit before interest and tax, और upon में interest on long term debts. तो इस ratio के component से पहले इसकी importance जानेंगे हम. Interest coverage ratio को हम debt service ratio भी बोलते हैं. ये रेशियो हमें बताती है कि जितना भी हमने लॉन्ग टर्म लोन्स पर इंटरेस्ट पे करना है उसके कंपैरिजन में हमारे प्रॉफिट कितने टाइम्स हैं, कितने गुना हैं. जितने टाइम ज़्यादा होंगे प्रॉफिट, उतना ही अच्छी मानी जाएगी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन. इंटरेस्ट हमने करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही करंट ईयर का इंटरेस्ट पे करना होता है, और ये इंटरेस्ट जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, देना ही देना है. सपोज हमने इंटरेस्ट पे करना है 1 लाख और करंट ईयर में प्रॉफिट हुए हैं 10 लाख, तो सीधे से प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट के कंपैरिजन में 10 टाइम्स है. तो ये अच्छी बात है, सेटिस्फैक्ट्री है पोजीशन. ये रेशियो कभी भी आपने इस्टू में या परसेंटेज में नहीं निकालनी है, ये रेशियो हमेशा टाइम्स में निकलती है. तो इंटरेस्ट जितना भी आपने पे करना है, जो कि चार्ज है, देना ही देना है, उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट मैनी टाइम्स होने चाहिए. फिर भी इसका एक स्टैंडर्ड या नॉर्मल बना हुआ है कि 6 to 7 times आइडियल माना जाता है. जितना भी इंटरेस्ट है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट 6 से 7 गुना, 6 to 7 times होना चाहिए. अगर इससे हाइयर है तो अच्छी बात है, और अगर लो चल रहा है ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो ये प्रॉब्लम है कि आप अभी इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं प्रॉफिट में से, तो आपको फर्दर लोन लेने में भी, एडिशनल फंड रेज करने में भी प्रॉब्लम आएगी. अब हम इसके कंपोनेंट्स पर आएंगे. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में जैसा कि फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है कि दो चीज़ों की ज़रूरत है. एक तो हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, और दूसरा हमें चाहिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन. तो फर्स्टली हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है तो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान देंगे कि प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट माइनस होता है और फिर टैक्स की बारी आती है. प्रॉफिट में से इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद जो हमारी इनकम बचती है उसमें से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ठीक है. तो अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए तो रिवर्स चलना होगा, पहले टैक्स ऐड करेंगे हमेशा और फिर हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे. जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो तो पहले टैक्स ऐड करना है, फिर इंटरेस्ट ऐड करना है, सो दैट हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाए. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के सेकंड कंपोनेंट्स पर आएंगे. इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, जो भी हम लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करते हैं, जो कि बच्चों आपने डेट में भी पढ़ा होगा, डेट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, मोर्टगेज लोन, एनी टर्म लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी ये लॉन्ग टर्म लोन पर जो हमने इंटरेस्ट पे करना ही करना है, वो सारा हमारा बंधा हुआ खर्चा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. तो उसको हम निकालेंगे सेकंड कंपोनेंट में. अब हम इसको एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे. प्लीज़ जो इलस्ट्रेशन में आइटम्स गिवन है, मैंने यहाँ मैक्सिमम को कवर करने की कोशिश की है,
तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको फॉलोइंग डिटेल से निकालनी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, जो कि टाइम्स में निकलेगी। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में 10% डिवेंचर्स गिवन है, 4 लाख, 8% लोन हमने लिया है IDBI से, 3 लाख, 9% पब्लिक से बोरो किया है, 2 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी ऑनर फंड है, 10 लाख। यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे कि 12% ज़रूरी नहीं है जो भी कोई तुम्हें रेट नज़र आ रहा हो वो इंटरेस्ट का ही रेट हो। आपको डेट के कंपोनेंट पता है किस किस पर हमको इंटरेस्ट देना है और किस पर हमको डिविडेंड देना है। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रेट 12% डिविडेंड का रेट है। और आपको गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,20,000। यहाँ पर फिर से ध्यान देंगे कि आपको आफ्टर टैक्स गिवन है, अगर बिफोर टैक्स होता तो उसमें सिंपली हम जितना भी इंटरेस्ट है ऐड कर लेते, लेकिन ये प्रॉफिट ही आफ्टर टैक्स है तो इसमें पहले टैक्स ऐड होगा, देन इंटरेस्ट ऐड होगा। तो हमें जो फॉर्मूले में चीज़ रिक्वायर्ड है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो मिल जाएगा। टैक्स का रेट है 30%। तो इतनी चीज़ें क्वेश्चन में हमें गिवन है, इनकी हेल्प से हम निकालेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो फिर से एक बार फॉर्मूला देखिए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला पेज नंबर 1 पर गिवन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो क्वेश्चन में पहले हम इंटरेस्ट निकाल के रख लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन जितने भी हैं उस पर हमने इंटरेस्ट पे करना है, और वो है क्वेश्चन में 3 चीज़ें। 10% ऑन डिबेंचर पे करना है, तो डिबेंचर से हमने बोरो किया था 4 लाख, जिसका 10% बच्चों 40,000 इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट हमने 8% का लोन लिया है फ्रॉम IDBI, लोन का अमाउंट है 3 लाख, उस पर 8% से 24,000 इंटरेस्ट पे करना है। और एक हमने पब्लिक डिपॉजिट से बोरो किया है 9%, 2 लाख का 9%, 18,000। तो ये 40,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000, ये हमारा फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हैं ऑन लॉन्ग टर्म डेट, 82,000। क्वेश्चन में 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, क्योंकि 12% इंटरेस्ट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स पर इंटरेस्ट नहीं देते, प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पे करते हैं। और जब प्रॉफिट में से डिविडेंड लेस ही नहीं हुआ तो हम उसको ऐड भी नहीं करेंगे यहाँ पर, इट मीन्स इसको बिल्कुल ही कंप्लीटली इग्नोर करना है। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 4,20,000। तो इस आफ्टर वाले प्रॉफिट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिफोर वाले प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहले टैक्स ऐड होगा फिर इंटरेस्ट की बारी आएगी, तो पहले हमें टैक्स मिल जाए। बट प्रॉब्लम इज दैट क्वेश्चन में टैक्स का अमाउंट तो क्लियरली गिवन नहीं है, ओनली रेट गिवन है। तो ये जो बॉक्स में मैंने शो करा हुआ है, इसको हमने यहाँ अज्यूम करना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बिफोर टैक्स 100, उसमें से टैक्स 30% हमने गवर्नमेंट को दे दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 70। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 70। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही गिवन है 4,20,000। तो इसमें हम टैक्स का अमाउंट निकालेंगे। टैक्स का अमाउंट कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 70, देन टैक्स इज 30। मैं रिपीट कर रही हूँ, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 70, तो टैक्स कितना था? 30। इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1, देन टैक्स विल बी 30/70। एंड इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 4,20,000, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन द अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी 30/70 इंटू 42,000। तो बच्चों ये हमारा ये टैक्स का अमाउंट निकल आया 1,80,000, यानी कि 4,20,000 जो प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में
टैक्स को डिडक्ट करके दे रखा है, तो अगर हम इस रेट 30% रेट की हेल्प से टैक्स का अमाउंट जान लेते हैं जो कि है 1,80,000, तो इसको हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। 4,20,000 में 1,80,000 का टैक्स हमने ऐड कर दिया, तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया 7,00,000। यहाँ पर फिर से ध्यान देना है, पहले हमने टैक्स ऐड करना था, फिर हमने इंटरेस्ट ऐड करना है, तब हमें फॉर्मूले की जो ऊपर चीज़ रिक्वायर्ड है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो हमें मिलेगा। ऑलरेडी हम टैक्स ऐड कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो अब ये जो 7,00,000 आया है, इसको कोई नाम देना भी है तो आप क्या नाम दोगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। टैक्स तो भाई ऐड कर लिया, लेकिन इंटरेस्ट तो अभी ऐड नहीं किया इसमें। अब हम इसमें इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे जो कि हम पहले ही हमने निकाल के रख लिया था, इंटरेस्ट जो जिसका टोटल था 82,000। तो 7,00,000 में 82,000 सारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट ऐड कर दिया, तो हमें रिक्वायर्ड चीज़ मिल गई है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यू कैन से EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 7,82,000। अब हमारे पास फॉर्मूले की दोनों चीज़ें आ गई हैं, इसको हम पुट कर देंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेज नंबर 1 पर गिवन था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। प्रॉफिट ऊपर रखना है बिफोर वाला जो कि अभी हमने निकाला 7,82,000, और अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस 82,000। तो ये रेशियो आई 9.53 टाइम्स। हमेशा ये टाइम्स में निकालनी है, कभी भी इस टू में, परसेंटेज में या किसी अदर फॉर्म में नहीं निकालनी है, ऑलवेज टाइम्स में निकालनी है। तो क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आइडियल 6 to 7 टाइम्स माना गया है और हमारी इस कंपनी की 9.53 आ रही है, तो ये अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट कर रही है, यानी कि हमारे प्रॉफिट इतने इनफ, इतने सफिशिएंट हैं कि आसानी से हम उसका इंटरेस्ट पे करने की कंडीशन में हैं।